नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। खबरें सबसे पहले आप। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित नेक संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, कार्यारम्भ एवं शिलान्यास किया। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा से 158.05 करोड़ रुपए की लागत से 6097 तालाबों, पोखरों, आहार पाइन की जीर्णोद्धार योजनाओं, 62.98 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 85,233 सोखता, 53.93 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1,701 चेक डैम और 5.35 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1,328 सरकारी भवनों के छत, वर्षा जल संचयन संरचनाओं की योजना लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत 67.05 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 3,166 सामुदायिक स्वच्छता केंद्र का ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत उद्घाटन किया। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत कोविड विशेष सहायता अनुदान योजना अंतर्गत बिहार भवन एवं अन्य के 13.68 लाख कामगारों के लिए 2,000 रुपए की दर से 273.56 करोड़ रुपए का सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा श्रम संसाधन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से कई योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के लिए बधाई देता हूं। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा श्रमिकों की सहायता के लिए कई प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तहत बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी एवं पटना स्मार्ट सिटी का कार्यारंभ किया गया। पटना के अलावा भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी इसकी जल्द शुरुआत की जाएगी। जल जीवन हरियाली के मिशन निदेशक श्री राजीव रोशन, श्रमायुक्त श्री चंद्रशेखर सिंह, अभियंतागण सहित एवं कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।